हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। छोटा सा टॉपिक इसीलिए क्योंकि ये शॉर्ट नोट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हालांकि अगर एक फुल क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर ये एक पॉइंट के तौर पर आप उसको लिख सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ वेजेस पेमेंट एंड इंसेंटिव प्लान का एक सब टॉपिक, जहाँ पर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन। बेटा देखो, ये पूरा अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया मेथड्स बताओ वेजेस पेमेंट के एंड इंसेंटिव प्लान्स के, तो ये टॉपिक का छोटा सा पार्ट बन जाएगा या फिर ये जो है सिर्फ दो नंबर के लिए बच जाएगा। बट वहीं पे अगर इसका समरी लिखने के लिए आ गया, शॉर्ट समरी, तो ये कहीं ना कहीं 5 नंबर तक जा सकता है। बट उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं बनती है, ठीक है। अब आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पैसा तो देना पड़ेगा, पेमेंट तो दोगे, इंसेंटिव्स भी दोगे, वेजेस भी दोगे, क्योंकि वो अपना टाइम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो अपनी पेमेंट लेने आएंगे तो वो पेमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से, मेरा मतलब है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, दिहाड़ी पे मजदूर होते हैं। वो एक दिन की 7-8 घंटे की दिहाड़ी करते हैं बेचारे, उनको 600-700-800 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है, कई जगह 300-400 रुपये मिल जाते हैं। वहीं पर एक बंदा जो है वो आता है, काम करता है, पूरे महीने काम करता है और फिर उसको जा करके सैलरी मिलती है। आपने देखा होगा कुछ सेल्समैन होते हैं जो कि कहते हैं कि आप प्रोडक्ट ले लीजिए, मुझे भी थोड़ा कमीशन मिल जाता है या फिर इसमें से कुछ मुझे भी पार्ट मिल जाता है। तो ये आपका तरीका होता है अपने वर्कर्स को पे करने का। अब यहाँ पे मेथड्स, आप अलग अलग मेथड्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें से एक मेथड है परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन, यानी कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आप करोगे उस तरीके की आपको पैसा, यानी कि आपको पेमेंट कर दी जाएगी। कई बार आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि एक जगह पे 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तो बॉस की चापलूसी करके अच्छी सैलरी बढ़वा लेता है और बाकी लोग जो है पूरे दिन गधे की तरह लगे रहते हैं, बहुत काम करते हैं बट स्टिल उनको कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि एज गुड परफॉर्मेंस यू विल गिव, उतना ही आपको अच्छा कंपनसेशन हम देंगे। परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव जो है एक तरीका होता है पेमेंट करने का अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि एम्प्लॉयर द्वारा की जाती है। जैसे कि अगर मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ और आपने जो है कॉन्सेप्ट किया हुआ है परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन का, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आप मुझे जो है पेमेंट दोगे मेरी परफॉर्मेंस के जो है यहाँ पे चेक करके, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है परफॉर्मेंस आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉय एंड विच मे बी स्पेसिफाइड इन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप जब एम्प्लॉयमेंट करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि आप किस तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मेंस को, आउटपुट को देखोगे और किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा एंड देन उसके कंपैरिजन में आपको कितना पे किया जाएगा, कितनी परफॉर्मेंस पे कितना पे होगा, तो वो सब कुछ जो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन में जो है यहाँ पे दोनों तरीके से हो सकती हैं, आइदर भी ओपन और क्लोज एंडेड, विच इज़ नॉर्मली स्टिपुलेटेड इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने 2 एम्प्लॉय रखे, मान लीजिए एक मुझे रखा है, एक आपको रखा, एक व्यक्ति ने, और यहाँ पे हम दोनों उसके एम्प्लॉय हैं और हमें मिलती है परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन। अभी अभी मेरा दिल टूटा है, मुझे लगा कि यार अब तो मुझे दुनिया से जीत, मतलब दुनिया गई भाड़ में, मुझे बस काम करना है, काम करना है, काम करना है, मैं दिन रात बस कॉफ़ी पीते पीते काम करते जा रही हूँ, काम करते जा रही हूँ, काम करे जा रही हूँ, और इतना काम कर दिया कि मेरी परफॉर्मेंस के कंपेरिजन में ना 3 लाख रुपये मुझे उसको मुझे जो है हमारा बॉस देगा, ठीक है। और वहीं आप नॉर्मल आ रहे हो, जा रहे हो, काम कर रहे हो, आपके 40-50 हज़ार रुपये परफॉर्मेंस लिंक के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा काम किया है, पर 4 लाख 3 लाख थोड़ी दूंगा मैं। तो इट मीन्स कि जो आपका ये परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन है ना, ये 2 तरीके का हो सकता है। द फर्स्ट वन इज ओपन, जिसमें कोई अपर सीलिंग नहीं है, करो तुम 4 घंटे करो, 5 घंटे करो, पूरा दिन लगा के करो, कितना भी पैसा बनता है अपुन देगा, अपुन के पास बहुत पैसा है। वहीं दूसरी जगह कि यार देखो परफॉर्मेंस लिंक तो मैं दूंगा लेकिन अपर लिमिट सेट कर दूंगा कि भैया 60,000 अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो
यानी कि तुम भले ही अपना पूरा दिन रात बैठ करके यहाँ पे जो है अपनी आंखें जलाते रहो, डजेंट मैटर, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60,000 दूंगा। यानी परफॉर्मेंस लिंक तो है लेकिन उसका एक्सटेंड 60,000 तक का ही है। सो उसी तरीके से ये दो मैथड्स आपके, इस मैथड में आपको दो तरीके के परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन हो सकते हैं। एक जो कि ओपन होता है, यानी जिसमें कोई अपर सीलिंग नहीं है, जितना ऊपर आपको जाना है आप जाइए, और दूसरा क्लोज एंडेड कि भैया इसमें अपर सीलिंग है, अपर सीलिंग है, चौथे पांचवें फ्लोर तक ही आप जा सकते हो, उससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते, जो कि नॉर्मली आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। यानी जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा अपने एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, उसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि ये परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन किस प्रकार का है, ओपन है या क्लोज है। ओके, ओपन एंडेड इंसेंटिव्स जो है नॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं टू रिवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटी, यानी कि जो आपकी सेल्स वाली लाइन होती है, जहाँ पे सेल्स पे बहुत काम किया जाता है, तो वहाँ पे यूजुअली ओपन एंडेड इंसेंटिव्स होते हैं कि भैया सैलरी तो है बट अगर आप 100 प्रोडक्ट बेचोगे तो इतने आपको जो है इंसेंटिव मिलेगा, 200 बेचोगे तो इतने मिलेगा, 300 तो इतने मिलेगा। तो वो ओपन एंडेड इंसेंटिव्स आपके यूजुअली सेल्स में होते हैं, ठीक है। और क्लोज एंडेड जो है वो आपके होते हैं सपोर्ट फंक्शन में, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज ऑपरेशंस में, कि भाई आप जो है आपने देखा होगा कई लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की ही पूरी कंपनी बनाते हैं और उसको जो है जिन लोगों को चाहिए होते हैं एम्प्लॉयर्स उसको जो है वहाँ पर पहुँचा देते हैं, जिनको वर्कर्स चाहिए होते हैं वहाँ पहुँचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, तो वहाँ पर आपके जो है क्लोज एंडेड आपको परफॉर्मेंस लिंक ऑफ कॉम्पेंसेशन दिखता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।